गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज जब आपने एक्सेस डेबिट कर दिया है एक अकाउंट को या एक्सेस क्रेडिट कर दिया है दूसरे अकाउंट को। एग्जांपल, गुड्स आपने परचेज की विनय से 23,000 की, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एंटर कर दिया 32,000 से। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री जो होनी थी वो होनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट 23,000 से, लेकिन आपने कर क्या दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट 32,000 से। तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विनय अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 9,000 रुपीज से। अब इस पॉइंट में और जो हमने लास्ट पॉइंट किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे जब देख रहे होंगे, यहाँ पे जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं, जो हमने गोपाल और सेल्स वाला एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे हमने रेक्टिफाइंग एंट्री, हमारी एंट्री वही है, अमाउंट का डिफरेंस लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सेस वाली एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों अकाउंट्स को उल्टा कर दिया है, मतलब जो डेबिट था वो क्रेडिट कर दिया और जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट किया है, और जब हमने ऊपर रूल्स किए थे रेक्टिफिकेशन के तो हमने वहाँ पे किया था कि अगर आपने एक्सेस किया है, एक्सेस डेबिट किया है या फिर एक्सेस क्रेडिट किया है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब एक्सेस डेबिट किया है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्सेस क्रेडिट किया है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो एरर किया है वो लेस से किया है, मतलब लेस डेबिट किया है या लेस क्रेडिट किया है, तो उस केस में हम इफेक्ट उल्टा नहीं देंगे। लेस डेबिट किया है तो हम डेबिट कर देते हैं, लेस क्रेडिट किया है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो ये थे हमारे टू साइडेड एरर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन साइडेड एरर्स, एरर्स जिसका इफेक्ट सिर्फ एक अकाउंट पर पड़ता है उसे हम कहते हैं वन साइडेड एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट आपने 48,000 का रिसीव किया संदीप से और उसे रिकॉर्ड किया आपने संदीप अकाउंट में, लेकिन आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब कि जो एरर है वो क्या है कि जो कैश बुक का इफेक्ट होना चाहिए था डेबिट साइड पर वो आपने नहीं दिया। तो इन एरर्स की जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ ये एरर्स का इफेक्ट जाता है ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक जगह एंट्री हुई हुई है और दूसरी जगह आपने उसे पोस्ट नहीं किया, एक जगह पोस्ट कर दिया लेकिन दूसरी जगह पोस्ट नहीं किया, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। वन साइडेड एरर किस टाइप में हो सकते हैं, किस केसेस में हो सकते हैं, पोस्टिंग आपने एक आइटम की अकाउंट में नहीं की, या आपने रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी एक अकाउंट में, या जो पोस्टिंग थी आइटम की आपने रॉन्ग साइड पे कर दी अकाउंट के, या फिर जो टोटल था सब्सिडी बुक का उसे अंडरकास्ट या ओवरकास्ट आपने कर दिया, तो उस टाइप के एरर्स को हम वन साइडेड एरर्स कहेंगे। वन साइडेड एरर्स को आप दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला, जब जो एरर्स हैं आपने लोकेट कर लिए हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। दूसरा, जो एरर्स हैं जब आप लोकेट कर रहे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब जो आपके एरर्स हैं आपने लोकेट कर लिए हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो इस सिचुएशन में जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसकी ज़रूरत नहीं होती है एरर को करेक्ट करने के लिए। जो एरर है वो सिर्फ जो आपने एरर किया है, दैट इज़ कि जो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड पे अकाउंट के होनी चाहिए आप उसे अकाउंट में लिखकर वो एरर ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टोटल था सेल्स बुक का फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो ओवरकास्ट है 5900 रुपीस से, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ 5900 विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स बुक। क्या लिख देंगे आप, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 5900 रुपीज़ सेवन, जो आपकी डेबिट साइड है सेल्स बुक की वहाँ पे आप लिख देंगे।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, 3700 रुपीज़ रिसीव फ्रॉम अशोक वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. आप क्रेडिट करना भूल गए, तो आप सीधा क्या करेंगे, जो अमाउंट है आपने पोस्ट नहीं की क्रेडिट में, तो करेक्शन के लिए जो अशोक अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 3700. तो सिंपल, आपने जिस साइड पे वो एरर है उस साइड पे आप लिख के, डेबिट और क्रेडिट साइड जिस भी साइड पे है उस साइड पे आप सिंपल एक लाइन डाल देंगे कि किस टाइप का एरर है. जैसे यहाँ पे हमने डाला बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे डाला बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यहाँ पे हमने लिखा बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड. तो जिस भी टाइप का एरर है वो लिख के आप सीधा वहाँ पे अमाउंट लिख देंगे. ये था जब आप एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट जब आता है हमारा, दैट इज जब एरर्स आपने लोकेट किए हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के बाद. तो जब एरर्स आपने ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के बाद लोकेट किए हैं, तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ती है. इस सिचुएशन में एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज अगर वन साइड आपका एरर है तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आप हेल्प लेते हैं सस्पेंस अकाउंट की. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए जो भी अकाउंट जिसमें एरर है, वन साइड है तो मतलब वन अकाउंट में एरर है, तो जो भी अकाउंट में एरर है, जो भी वो हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो हो जाएगा और उस एंट्री को कंप्लीट जो करेगा वो सस्पेंस अकाउंट करेगा. जैसे अगर कोई किसी अकाउंट में एंट्री थी और वो डेबिट होनी है वो अकाउंट, तो उस अकाउंट को डेबिट करके टू सस्पेंस अकाउंट आप लिख देंगे. और अगर एरर था कि वो अकाउंट क्रेडिट होना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उस अकाउंट को लिख देंगे जो क्रेडिट होना है. देन मीनिंग क्या है सस्पेंस अकाउंट का? जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो अगर वो टैली नहीं करता है, आपने सारे अकाउंट्स को दोबारा चेक कर लिया कि पोस्ट हुए हैं प्रॉपर नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल आप एरर्स को लोकेट नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपने एरर्स को लोकेट नहीं किया है और आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया है और वो मैच नहीं हो रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग जितने का भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का, उसे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, ताकि जो फाइनल अकाउंट्स हैं उन्हें आप प्रॉपर टाइम पर बना सके. तो जो सस्पेंस अकाउंट है वो अकाउंट है जिसे आप टेम्परेरी बेसिस पर यूज़ कर रहे हो फॉर रिसिप्ट्स, डिस्पर्समेंट्स, डिस्क्रिपियंसीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उस टाइम पीरियड तक के लिए, जब तक जो एरर्स का लोकेशन है वो आप फाइंड आउट नहीं कर लेते, जो आपका एनालिसिस है वो आप कंप्लीट नहीं कर लेते. अब इसमें क्या चीज़ है, अगर आपका क्रेडिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस का वो ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो जो डिफरेंस है आप डेबिट साइड पर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस के, और सस्पेंस अकाउंट क्या शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा. अगर आपका जो डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस का वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस को आप क्रेडिट साइड पर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस की, और सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा. तो जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, अगर डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का तो आप उसे एसेट साइड पर लिख देंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का तो आप उसे लायबिलिटी साइड पर लिख देंगे बैलेंस शीट की. देन यूटिलिटी क्या है सस्पेंस अकाउंट की? जब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, तो जो फाइनल अकाउंट्स हैं उन्हें हम बना सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. उसका जो डिफरेंस है अमाउंट का ट्रायल बैलेंस में, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डालकर उसे फाइनल अकाउंट्स में हम डेबिट एसेट या लायबिलिटी साइड पर उसे पोस्ट हम कर देंगे. तो ये एरर्स जो होते हैं जिनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर जाता है, उसे हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट यूज़ करके. देन नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट में जो फिगर है वो आपके उतने अमाउंट का एरर है, वो आपने जो सस्पेंस अकाउंट खोला है वो इमेजनरी अकाउंट है जो आपने ओपन किया है, इसलिए ताकि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री कर जाए. लेटर ऑन जैसे जैसे आपको एरर्स लोकेट होते रहेंगे,
उनको आप विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करेंगे, और जब सारे एरर्स आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपका जीरो अमाउंट शो करेगा और वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट में कोई अमाउंट बचता है तो इसका मतलब ये है कि स्टिल कोई ना कोई एरर ऐसा है जो आपने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप पास कर रहे हो रेक्टिफाइंग एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। वो क्या, डेबिट करोगे आप अकाउंट को जो डेबिट होना है, और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देन सेम तरीके से क्रेडिट जिस अकाउंट को करना है उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट आप कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। और जो पॉइंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है, दैट इज सिर्फ वन साइडेड एरर्स को ही आप रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। देन इसका हम क्वेश्चन, इसके हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज ये एग्जाम्पल है आपका, द बुक्स ऑफ अशोका क्लोथ्स कुड नॉट बी टैलीड, द अकाउंटेंट ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ 8750 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये देखिए, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 8750 का, तो एरर्स हैं, तो आपने फॉर द टाइमिंग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट। लेटर ऑन आपने एरर्स को फाइंड आउट किया और उन्हें रेक्टिफाई किया जर्नल एंट्रीज पास करके, और सस्पेंस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एरर्स हैं वो यहाँ पे अकर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम सपोज हम सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं, तो एंट्री नंबर 5 हम देखते हैं। यहाँ पे एंट्री नंबर 5 क्या है, एन आइटम ऑफ 3900 रुपीज रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वॉज ओमिटेड टू बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक। एक आइटम 3900 रुपीज़ की जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट से रिलेट करती है, उसे आपने ओमिट कर दिया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया प्रीवियस ईयर की बुक से। अब ये जो इफेक्ट होगा इसका, इसका इफेक्ट सिर्फ एक अकाउंट पे गया है, मतलब ये वन साइडेड एरर है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो अकाउंट था उससे आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो कैरी फॉरवर्ड करने की एंट्री क्या है हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये वन साइडेड एरर का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपने देखा। तो ये था हमारा वन साइडेड एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।